काम ही है क्या? जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, शाहरुख खान की फिल्म पठान आने वाली है और शाहरुख खान पर निशाना साधना है, पठान पर निशाना साधना है, इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री जो है वो दीपिका पादुकोण की वेशभूषा पर निशाना साध रहे हैं। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं पठान की जो फिल्म है उसका एक गाना सामने उभर कर आया, बेशर्म रंग। अब ये जो वीडियो सामने उभर कर आया है, मध्य प्रदेश के मंत्री मैदान में उतर गए नरोत्तम मिश्र, बाकी इन लोगों को कोई काम नहीं है। अरे भाई मध्य प्रदेश में ध्यान दो, तुम्हारी क्या मानसिकता है कि तुम्हें हीरोइन के कपड़ों को देख रहे हो? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नरोत्तम मिश्र कह क्या रहे हैं, क्योंकि देखिए इसमें बहुत आपत्तिजनक बातें उन्होंने कही हैं और इसमें ढेरों दोहरे मापदंड दिखाई दे रहे हैं जो आज मैं एक्सपोज करने जा रहा हूं। सबसे पहले नरोत्तम मिश्र ने कहा क्या, मैं आपको बताता हूं। फिल्म पठान के गाने में टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की वेशभूषा बेहद आपत्तिजनक है और गाना दूषित मानसिकता के साथ फिल्माया गया है। गाने के दृश्यों और वेशभूषा को ठीक किया जाए, अन्यथा फिल्म को मध्य प्रदेश में अनुमति दी जाए या न दी जाए, यह विचारणीय होगा, ऐसा नरोत्तम मिश्र कह रहे हैं। मैं नरोत्तम मिश्र से दो तीन सवाल पूछना चाहता हूं। पहली बात, टुकड़े टुकड़े गैंग क्या होता है? आपको याद होगा दोस्तों कि जेएनयू की छात्राओं पर गुंडों ने हमला किया था, तब दीपिका पादुकोण उनके साथ जाकर खड़ी हुई थी, आयशी घोष उनके साथ खड़ी हुई थी दीपिका पादुकोण। पूछना चाहता हूं कि टुकड़े टुकड़े गैंग क्या होता है? किसी पर हमला हुआ, दीपिका पादुकोण उसे अपना समर्थन जताना चाहती थी, उनके साथ जाकर खड़ी हुई, मगर दीपिका पादुकोण पर हमला करने की इन्होंने तमाम हदों को पार कर दिया दोस्तों, तमाम हदों को पार कर दिया। इनके जो शाहरुख अभिनेता और अभिनेत्री हैं, दीपिका पादुकोण की डिप्रेशन मेंटल इलनेस पर भी निशाना साधते हैं। याद कीजिए पद्मावत फिल्म आई थी, तब कुछ लोगों ने यह कहा था कि जो दीपिका पादुकोण की नाक काटेगा उसे करोड़ों रुपए दिए जाएंगे। एक तरफ ये लोग नारी को देवी का दर्जा देते हैं और फिर इस तरफ और इस तरह की बातें करते हैं। मगर मैं नरोत्तम मिश्रा की दो बातों को संबोधित करना चाहता हूं। वो जब कहते हैं कि आपत्तिजनक वेशभूषा, मैं नरोत्तम मिश्रा से एक सवाल पूछना चाहता हूं। दरअसल इस गाने का जो है ये तस्वीर की क्लिप सामने आ रही है जिसमें दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान है और दीपिका ने जो पहना हुआ है वो ऑरेंज रंग का है। अब आपसे भगवान भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इस तस्वीर को लेकर आपत्ति जताई जा रही है। मैं नरोत्तम मिश्रा को एक चैलेंज देना चाहता हूं, क्या वो आज ऐलान करेंगे कि कंगना रनौत की किसी भी फिल्म को नहीं दिखाया जाएगा मध्य प्रदेश में? क्योंकि ये तस्वीर देखिए, यहां पर कंगना रनौत ने भगवा पहना हुआ और शराब पी रही है, इसी बात का जिक्र मैंने अपने शो में किया था। हिम्मत है नरोत्तम जी आपकी? क्योंकि कंगना रनौत जो है वो भारतीय जनता पार्टी की पसंदीदा अभिनेत्री है, इसलिए आप उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। यहाँ पर भी भगवान दिखाई दे रहा है। और रही बात वेशभूषा की, जिसे आप अश्लील बोल रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि छोटे छोटे कपड़े पहनना ये 70 के दशक से फिल्म अभिनेत्रियां करती रही हैं। 70 के दशक में, 80 के दशक में, 90, 2000 और खुद दीपिका पादुकोण ने ऐसी कई फिल्में की हैं जिसमें उन्होंने छोटे छोटे कपड़े पहने हैं। मैं बात स्पष्ट कर दूं कि अगर किसी सीन को सेंसर बोर्ड पारित कर देता है तो किसी के पास अधिकार नहीं है उस पर आपत्ति दर्ज करने की। आपको फिल्म नहीं देखना है, आप मत दो, मगर नरोत्तम मिश्र को इस तरह की धमकी देने का कोई अधिकार नहीं है। मैं नरोत्तम मिश्र को एक और चैलेंज देना चाहता हूं। आपके सांसद हैं रविकिशन, देखिए इनकी कोई फिल्म आई थी ज्वाला मंडी, अब इस मंडी में कैसी ज्वाला हो रही है खुद आप देखिए। रवि किशन ने भोजपुरी फिल्मों में मनोरंजन के नाम पर फुहड़ता और अश्लीलता परोसी है। मैं आपको रवि किशन की ऐसी ढेरों फिल्में और उसकी ऐसी ढेरों वीडियोस दिखा सकता हूं जिसमें उन्होंने नग्नता का परिचय दिया है, अश्लीलता का परिचय दिया है। क्या नरोत्तम मिश्र में हिम्मत है कि वो रवि किशन की इन फिल्मों पर टिप्पणी कर सकें? और आपके फेवरेट अभिनेता है अक्षय कुमार, देखिए भगवाधारी हीरोइंस के साथ क्या कर रहे हैं बताइए। नरोत्तम जी, इस तरफ आपका ध्यान जाएगा कि नहीं जाएगा? आपको दीपिका पादुकोण पर निशाना साधना है क्योंकि वो जेएनयू की घायल छात्र के साथ खड़ी हुई थी। आपको दीपिका पादुकोण पर निशाना साधना है क्योंकि उसने कभी भी आपके नफरती एजेंडे को बढ़ावा नहीं दिया, इसलिए आप उस पर निशाना साध रहे हैं। और इस फिल्म में तो दोनों है ना, शाहरुख खान भी है और दीपिका पादुकोण भी है। शाहरुख खान पर तो अटैक करने की आपने तमाम हदों को पार कर दिया था, आपने उसके बेटे पर भी हमला किया था, उसे एक महीने का जेल रखा था जबकि उसका कोई गुनाह नहीं था। इस तरह से आप लोगों पर निशाना साध रहे हैं नरोत्तम जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता। गीता के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं आप? कर्म के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? आज आपके हाथ में ताकत है, आप ये सब कर रहे हैं, कल को आपके हाथ से ताकत नहीं रही, तब आप क्या कीजिएगा बताइए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, दीपिका पादुकोण पर निशाना साधने के लिए कंगना रनौत जो इनकी पसंदीदा अभिनेत्री हैं, इन्होंने तमाम हदों को पार कर दिया था। दीपिका पादुकोण के लिए दो शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया था, डिप्रेशन की दुकान और डिप्रेशन का धंधा। मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि किस तरह से दीपिका पादुकोण का मजाक उड़ाया था कंगना रनौत ने आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, ये देखिए इनका पुराना ट्वीट, रिपीट आफ्टर मी, डिप्रेशन का धंधा चलाने वालों को पब्लिक ने उनकी औकात दिखा दी। मैं आपको बताता हूं कंगना रनौत को दिक्कत क्या है दीपिका पादुकोण से। आपको याद है कंगना रनौत की फिल्म आई थी जजमेंटल है क्या? उस फिल्म का पहले नाम था मेंटल है क्या? दीपिका पादुकोण जिस एनजीओ को चलाती हैं, उन्होंने इस फिल्म को चुनौती दी थी अदालत में, ये कहते हुए कि जो लोग मानसिक रोगी हैं उनका मजाक उड़ाया जा रहा है इस फिल्म में, इस शीर्षक के जरिए मेंटल है क्या। नतीजा ये होता है कि कंगना रनौत को अपनी फिल्म का नाम बदलना, नतीजा ये होता है कि कंगना रनौत को अपनी फिल्म का नाम बदलना पड़ता है, उसका नाम हो जाता है जजमेंटल है क्या। अब इस बात को लेकर कंगना रनौत से बहुत नाराज थी, इसलिए उनका मजाक उड़ाने लगी, डिप्रेशन का धंधा, डिप्रेशन की दुकान। क्यों? क्योंकि साल 2008 और 2010 में जब रणबीर कपूर के साथ दीपिका पादुकोण का ब्रेकअप हुआ था और उसके वजह से मानसिक तौर पर जो असर दीपिका पादुकोण पर पड़ा था दोस्तों, उसका लगातार मजाक उड़ाती रहती है कंगना रनौत। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप किसी को नापसंद करें गलत बात है, आप और हम जिंदगी के कई मुकाम पर कई बार बहुत मायूस होते हैं, मगर क्या किसी की मायूसी का मजाक उड़ाने का अधिकार है? और अगर कोई डिप्रेशन का शिकार है और आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं तो ये आपके बारे में क्या बदला रहा है बताइए। क्योंकि देखिए वो क्या रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक दिन से दो शिकार कर रही है, एक तो शाहरुख खान की फिल्म है पठान बॉयकॉट करना ही है, दूसरा दीपिका पादुकोण, वो दीपिका पादुकोण जिसने मुद्दों पर अपनी राय देने से कभी वो पीछे नहीं हटी, वो बहुत ज्यादा बोलती नहीं है, मगर इसके मैंने बताया ना जेएनयू में जब गुंडागर्दी दिखाई गई थी तो वो जेएनयू के छात्रों के साथ जाकर खड़ी हुई थी, इसके लिए हिम्मत चाहिए। और रही बात धर्म के अपमान की, जो आरोप लगा रहे हैं दीपिका पादुकोण पर या फिर पठान पर, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर गिरिराज सिंह, आप जानते हैं कल इन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा था, उन्होंने शराब की तुलना भगवान से कर डाली। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं उन्होंने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। यहां पर गिरिराज सिंह कह रहे हैं, बिहार में शराब भगवान की तरह है जो दिखता नहीं लेकिन हर जगह मौजूद है। कल्पना कीजिए दोस्तों, यही बात अगर किसी कांग्रेस के नेता ने कही होती या तेजस्वी यादव ने कही होती तब क्या होता? यहां पर आप शराब की तुलना किससे कर रहे हैं? भगवान से कर रहे हैं। इतना शर्मनाक बयान है। क्या नरोत्तम मिश्र ये कहेंगे कि हम गिरिराज सिंह के प्रवेश पर पाबंदी लगा देंगे? अरे ढोंग है सब तुम्हारा, तुम जो धर्म के नाम पर जो है तबला बजाते हो सब होंगे, तुम्हारे मन में ना राम के लिए श्रद्धा है, ना भगवान के लिए, ना मंदिर के लिए, ना धर्म के लिए, तुम सिर्फ उस पर राजनीतिक घोटिया सीखते हो, उसके अलावा कुछ नहीं, यही काम है तुम्हारा, उसके अलावा कुछ नहीं। बताइए ना मुझे, तुम जो जयकार करते हो इस फरियाद फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की, इस आदमी ने बीफ खाने की वकालत की है, बोले आम कहता मैं आप भी बीफ खाता हूं और मुझे ये भी बताया कि सबसे बेहतरीन बीफ खाता है, ये सब बयान था मैंने आपको सुनाया था,
मगर क्या आप इसकी फिल्म पर बॉयकॉट करने की बात करेंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि ये आदमी भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहा है। ये आदमी लगातार हर की तोहिन कर रहा है। इसके एक वीक स्कैंडल में आपको दिखाई दे मां सीता मैया का अपमान कर रहा है। देखिए कितनी अश्लील बातें है। द्रौपदी का अपमान कर रहा है। देखिए कितनी अश्लील बातें है। पर ये क्या कह रहा है कि रावण भैया मुझे छोड़ दो, शांत सामंत। दुशासन भैया मुझे छोड़ दो, शांत सामंत। ये क्या बकवास है भाई? ये आदमी इस तरह की बातें कर रहा है। अश्लील फिल्में बनाता था, मगर ये तुम्हारा पसंदीदा फिल्म डायरेक्टर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दीपिका पाडुकोण ने तो स्क्रीन पर जो भी किया, चाहे वो छोटे कपड़े क्यों ना पहने हो, उसने ये किया जो सेंसर बोर्ड ने इजाजत दी। मगर जो गिरिराज सिंह करते हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? जो कंगना रानावत जिस तरह की कपड़े पहनती है उसके बारे में आपका क्या कहना है? विवेक अग्निहोत्री जिस तरह की वाहियात बातें मां सीता और द्रौपदी के बारे में कहता है उसके बारे में आपका कहना है? उस पर आप कुछ पूछा बताइए ना। या तो आप सभी के ऊपर समान विचार रखिए, आप फरमान जारी कर दीजिए ना कि भाई कोई भी हीरोइन जो है वो छोटे कपड़े नहीं पहनेगी, सब साड़ी पहनेंगे, सलवार कमीज पहनेंगे। मगर दूसरी तरफ हिजाब पर भी तुम्हें आपत्ति है, क्योंकि हिजाब का भी किस चीज से नाता है? हिजाब का नाता भी शर्म हया से है। हिजाब को लेकर आपको आपत्ति है, मगर दूसरी तरफ जब दीपिका पाडुकोण कपड़े पहने तो उस पर भी आप बातें करते हैं। मैं बात स्पष्ट कर दूं, कपड़े पहन लेने से कोई संस्कारी अश्लील नहीं हो जाता। साड़ी पहनकर भी, सलवार कमीज पहनकर भी कई लड़कियां संस्कारी नहीं लगती हैं। सूट बूट पहनकर भी कई पुरुष जो है वो अश्लील दिखाई देते हैं, मगर दूसरी तरफ कम कपड़ों में भी कई लोग बहुत स्मार्ट दिखते हैं। मेरी इस बात पर गौर कीजिएगा। क्षमा चाहूंगा अगर आप में से कई लोगों को मिर्ची लगी या बुरी लगी हो मेरी बात, मगर मैंने आपके सामने जो जो तथ्य रखे वो सब हकीकत से जुड़े हुए हैं। अपने आप को खंगालिए, आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी और उनका प्रचार तंत्र किस तरह का ढोंग करता है।